पाएंगे एक ही रन मिला। 6.2 ओवर का खेल हो चुका है और सिर्फ 41 रन बने हैं अभी तक। 41 पर एक विकेट खो चुके हैं पंजाब किंग्स, जो कि जॉनी बेस्टो आउट हो चुके हैं। शिखर धवन अभी भी खेल रहे हैं, उनके कप्तान हैं शिखर धवन, और उन्हें थोड़ा एक्सलरेट करना होगा, जो कि रन बॉल से भी कम खेल रहे हैं शिखर धवन अभी, और इस तरीके से मैच नहीं बन पाएगा, जो कि चिन्नास्वामी एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। कैमरन गिल की प्रभ सिमरन के लिए बड़ा शॉट खेलना चाहते हैं, प्ले एंड मिस। शिखर धवन और प्रभ सिमरन के बैट पर बॉल नहीं आ रही है जैसा कि देखा जा रहा है, और 39 गेंद का खेल हो चुका है और 42 रन ही बने हैं अभी तक और एक विकेट भी खो दिया है। दोनों बहुत कोशिश कर रहे हैं शिखर धवन और प्रभ सिमरन, पर बैट पर बॉल नहीं आ पा रही है दोनों के ही। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। पर ओहो, प्रभ सिमरन सिंह ने बड़ा शॉट खेल दिया और 6 रन के लिए ये शॉट। प्रभ सिमरन सिंह ने 6 रन लगा दिए हैं कैमरन गिल को, और अब थोड़े हाथ खोलना शुरू कर दिए हैं, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से प्रभ सिमरन सिंह एक्सलरेट करना चाहते हैं। 11 बॉल में 16 पर प्रभ सिमरन सिंह खेल रहे हैं, और उधर शिखर धवन 23 बॉल में 22 पर खेल रहे हैं। कैमरन गिल को इस बॉल पर 6 रन जड़ दिए प्रभ सिमरन सिंह ने, बढ़िया कलाइयों का इस्तेमाल, बढ़िया शॉट। प्रभ सिमरन सिंह काफ़ी बढ़िया प्लेयर है और काफ़ी तेज तरार स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, अगर ये खड़े रहते हैं तो पंजाब को बहुत फ़ायदा होगा। एक्सलेट काफ़ी बढ़िया करते हैं प्रभ सिमरन सिंह, बढ़िया गेंद। 7 ओवर का खेल यहाँ समाप्त होने को और 50 रन अभी पूरे नहीं हुए हैं, 49 पर एक है पंजाब किंग्स का स्कोर। आखिरी बॉल 7वें ओवर की, कैमरन ग्रीन के इस ओवर में 9 रन आ चुके हैं अभी तक। शिखर धवन को कुछ बड़ा करना होगा, 23 बॉल में 22 पर खेल रहे हैं, जो कि एक्सलरेट करना होगा शिखर धवन को। अब बड़ा शॉट खेलना चाहते पर सिंगल। 7 ओवर में 50 रन बने हैं और 7 ओवर का खेल हो चुका है समाप्त। 7 ओवर 50 रन और एक विकेट, काफ़ी बढ़िया चल रहा है आरसीबी के लिए। पंजाब किंग्स को कुछ सोचना होगा और एक्सलरेट करना होगा अब, ताकि एक हाई स्कोर बना सकें। इस ग्राउंड पर 180 स्कोर होगा, 200 यहाँ बहुत आसानी से चेज होता है चिन्नास्वामी में, जो कि बैट्समैन के लिए बहुत बढ़िया मानी जाती है चिन्नास्वामी की पिच, और आरसीबी के पास बहुत तगड़ी बैटिंग लाइनअप है, फायर पावर भी है, तो हाई स्कोर तो बनाना होगा कम से कम 180। इसके बिना पंजाब किंग्स ये मैच नहीं जीत पाएगी, पर अब शिखर धवन को एक्सलेट करना ही होगा। 7 ओवर में 50 रन ही बना पाई है पंजाब किंग्स की टीम। 7 ओवर 50 रन एक विकेट, मयंक डागर को मिला है ओवर, 8वां ओवर लेकर आए हैं मयंक डागर आरसीबी के लिए, जो कि इकलौते मेन स्पिनर के तौर पर खेल रहे हैं मयंक डागर। मयंक डागर आ चुके हैं 8वां ओवर लेकर आरसीबी के लिए। मयंक डागर की गेंद शिखर धवन के लिए, शिखर धवन अभी भी सिंगल सिंगल ही खेल रहे हैं। तो 7.1 ओवर का खेल हो चुका है और 51 रन बने हैं अभी तक और एक विकेट। प्रभ सिमरन सिंह और शिखर धवन अभी भी बैटिंग कर रहे हैं, दोनों को कुछ बड़े शॉट खेलने होंगे और एक्सलरेट करना होगा इस इनिंग को, जो कि काफी स्लो रन रेट से खेलती हुई पंजाब किंग्स की टीम। मयंक डागर को टारगेट करना होगा। प्रभ सिमरन सिंह काफ़ी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, पर एक ही रन मिल पाएगा प्रभ सिमरन सिंह को। प्रभ सिमरन सिंह काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, पर शिखर धवन अभी भी रन बॉल से भी कम खेल रहे हैं, 25 बॉल में 24 पर खेल रहे हैं शिखर धवन, जो कि बहुत ही 90 की स्ट्राइक रेट से शिखर धवन खेल रहे हैं, जो कि उनको एक्सलेट करना होगा शिखर धवन को। 25 बॉल में 24 रन आप नहीं बना सकते, वो भी हाई स्कोरिंग वेन्यू पर। शिखर धवन को अब कुछ बड़े शॉट्स खेलना ही होंगे। मयंक डागर की गेंद शिखर धवन के लिए, बड़ा शॉट पर शिखर धवन के बल्ले पर बॉल नहीं आ पा रही है जैसा कि देखा जा सकता है।